नमस्ते साथियों, मेरा नाम ओम है और मैं पिछले कई सालों से योग का प्रशिक्षण दे रहा हूँ। 2003 से योग सिखा रहा हूँ। आज मैं प्रयास कर रहा हूँ प्राणायाम आपको सिखाने का। इस प्राणायाम के बारे में यूँ तो बहुत से एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं। बाबा रामदेव जी भी ने भी योग को बहुत फेमस का प्रचार किया हुआ है और इसके बारे में जानते हैं हम सब हैं, लेकिन उसके वेरिएशंस के बारे में कम लोग जानते हैं। आज हम कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम के वेरिएशन को किस तरीके से, किस किस तरीके से किया जा सकता है, उसका उपयोग, उसके लाभ किस तरीके से ले सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और मैं एक एक राउंड ही दिखाऊँगा ताकि वीडियो छोटा बने। मेरा प्रयास होगा कि समझाना, आप उसको कम से कम 3 राउंड्स में कन्वर्ट करें और थोड़ा ज़्यादा भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। पहला है कपालभाति, जो कि कपाल वैसे तो मस्तक को बोलते हैं, और भांति उसको हम ऐसा चमकाना। कपालभाति में आप जब सांस को बहुत ज़ोर से बाहर निकालते हैं तो वो यहाँ पर टच होती हुई बाहर निकलती है, उससे यहाँ पर एक ऊर्जा का संचार होता है। उस ऊर्जा से आपको आपके चेहरे पे तेज होता है, आपके मस्तिष्क में अच्छा ऑक्सीजन जाती है, अच्छा रक्त का संचार होता है, आपका सोचना सब। ये एक सिर्फ कपालभाति ही नहीं, प्राणायाम का हर स्तर। प्राणायाम इस तरीके से काम करता है कि आपके मस्तिष्क में बहुत अच्छे से ऑक्सीजन पहुंचे, आपकी ऊर्जा बनी रहे, आपका सिस्टम ठीक हो, आपके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी बने, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो। पहली है कपालभाति, और वो आप मुझे मेरे पेट पे ध्यान दे सकते हैं, मैं हाथ भी रख रहा हूँ शुरुआत में। आपको श्वास बाहर निकालना है, और जब भी आप श्वास बाहर निकाल रहे हैं तब आपका पेट अंदर चला जाएगा, क्योंकि आप डायफ्राम को आप हमारे फेफड़ों को सिकोड़ रहे हैं, तो हमारे पेट के ऑर्गन भी सिकोड़ रिलैक्स हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। जैसे ही सांस भरेंगे वो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। हम लगभग 15 से 20 बार करेंगे। आप इस तरीके से ज़्यादा बार भी कर सकते हैं कैपेसिटी है तो, और इस तरीके से कई राउंड भी आप कर सकते हैं। चलिए प्रयास करते हैं। पहले समझे धीरे धीरे। इस तरीके से हमें करना है, और ज़्यादा फोर्स भी आप कर सकते हैं। जब भी आप थक जाएं, आप अपनी श्वास को बाहर निकाल के रोक सकते हैं। जितनी भी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकने का प्रयास करना है। आप चाहें तो कंठ को अपनी ठुड्डी को कंठकूप पे लगा सकते हैं, जालंधर बंद लगा सकते हैं, मूल बंद लगा सकते हैं, उड्डयन बंद लगा सकते हैं। उड्डयन बंद में पेट को पूरी तरह पिचकाना होता है, नाभि को आपकी स्पाइन से टच करने का प्रयास करना होता है। जब भी मन की आपका करे तब आप श्वास ले लीजिए और सामान्य श्वास लीजिए। बाई चांस जो मेरे आदरणीय जन हैं, जिनको अगर किसी को हार्ट की अनकंफर्ट है, जिनको लंग्स का अनकंफर्ट है, इनकी एज हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो वो कम फोर्स के साथ प्रयास करें। उन्हें बहुत लंबे समय तक नहीं करना, छोटे छोटे ज़्यादा राउंड कर सकते हैं और फोर्स भी कम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से हल्के प्रकार से आप कर सकते हैं। ऐसे 3 राउंड करें। आप चाहें तो रोज धीरे धीरे आपका हर एक बार में एफर्ट्स बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने अगर इस तरीके से 20 बार किया तो अगले दिन आप 30 बार करें, फिर 35 बार करें, 40 बार करें। सेकेंड वेरिएशन जो हो सकता है वो है एक ही नोस्ट्रिल को बंद करके। तो हम दाएं हाथ का अंगूठा दाएं नोस्ट्रिल को बंद करने के लिए करेंगे। दाएं नोस्ट्रिल को बंद करके कपालभाति सिर्फ लेफ्ट से प्रयास करना है। हर बार
फोर्स के साथ श्वास को बाहर निकालनी है। जब भी आपको थकान होने लगे, अनुभव करें कि नहीं अब हम थक रहे हैं, तो श्वास को बाहर निकालें, रोक लें, फिर से चाहें तो आप चिन लॉक लगाएं, जलंधर बंद लगाएं, उड्यान बंद लगाएं, मूल बंद लगाएं। मूल बंद में आपको बुधा को, एनस को, परिनियम को पुल अप करके रखना है, उड्यान बंद में एब्डोमेन पीछे पुल करना है। लंबी गहरी श्वास लें और श्वास को शिथिल करें, आराम से लें। याद रहे, श्वास रोकनी भी है तो भी आपके कंफर्ट के साथ। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, जो काफ़ी लंबे समय से प्रयास प्रैक्टिस कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा देर रोक सकते हैं, पर जो नए हैं उन्हें कम समय के लिए रोकना है। अब सेम चीज़ हम करेंगे राइट नोस्ट्रल से, दाएं नोस्ट्रल से। तो अपने उंगलियों का बीच वाली उंगली मध्यमा और अनामिका को हम लेफ्ट नोस्ट्रल पर रख के बंद करें और फोर्सफुल ब्रीदिंग कपालभाति का प्रयास राइट नोस्ट्रल से हम करें। हर बार सांस बाहर निकाल लेंगे। इस प्रकार से पूरी श्वास को बाहर निकालें, फिर से आप उद्यान बंद लगाएं, बाहर कुंभक लगाएं। कुंभक लगाना आंतरिक कुंभक, सांस लेकर के कुंभक लगाना, और बाह्य कुंभक, श्वास को पूरा बाहर निकाल के कुंभक लगाना, रोकना। जितनी देर रोक सकते हैं रोकें, फिर आराम से श्वास लें, लंबी गहरी श्वास लें। आप शुरुआत के अभ्यास में सिर्फ एक एक राउंड, जो मैं बता रहा हूं उनको सिर्फ एक एक राउंड भी किया तो भी ये कंप्लीट वर्कआउट हो जाएगा। लेकिन अगर और अच्छा अभ्यास करना है, बहुत अगर किसी को अनकंफर्ट है, किसी को जुखाम है, सर्दी है, खांसी है, तो ये बहुत ही उपयोगी लाभदायक प्रक्रिया है। अब हम भस्त्रिका के वेरिएशन करेंगे। पहला वेरिएशन सिंपल है, आपको हथेलियाँ थाइस पर रखनी है, पूरे लंग्स को भरना है। कपालभाति में हम श्वास लेने पर ध्यान नहीं दे रहे थे और सिर्फ छोड़ने पर ध्यान दे रहे थे, अब हम श्वास लेने और छोड़ने दोनों पे ध्यान लगाएंगे। तो उसके लिए पहला प्रयास आप कर सकते हैं, हथेलियाँ आसमान की तरफ, और चाहे तो ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, इंडेक्स फिंगर तर्जनी को अंगूठे से टच करके आप रेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें लंग्स का काम है, रिब्स का काम है, लंग्स को फुलाना है और फोर्स के साथ श्वास बाहर निकालना है। आप जितना लंबा कपालभाति में कर सकते हैं, इससे कम समय में करना है। जैसे वहाँ हमने 20-30 बार श्वास को बाहर निकाला लगातार, यहाँ 8-10 बार भी बाहर निकालेंगे तो काफ़ी होगा। पूरी तरह श्वास को बाहर निकालें, चाहे तो आंखें बंद करें, और फिर से आप तीनों बंद लगा सकते हैं, त्रिबंध लगा सकते हैं, जलंधर बंद, उड्यान बंद, मूल बंद लगा के रख सकते हैं। और जब भी आपको श्वास लेना है तो अब श्वास को अंदर भी रोकना है, आंतरिक कुंभक भी आपको लगाना है। बंद ना लगाएं तो भी चलेगा, आप कमर गर्दन सीधी रखते हुए भी श्वास को रोक सकते हैं, लेकिन जलंधर बंद लगाना प्राणायाम में बहुत उपयोगी होता है, इसलिए आप चिन को, लेकिन गर्दन को झुकाना नहीं है, मुड़ना नहीं है, कमर सीधी ही रहेगी। जब आप जलंधर बंद लगा रहे हैं तब ऐसे नहीं मुड़ना है, आपको जलंधर बंद लगाना है, कमर सीधी रखते हुए सिर्फ गर्दन को नीचे लाते हैं। लंबा गहरा श्वास लेते हैं, रिलैक्स करें आराम से। अब हम अगला अभ्यास करेंगे, इसमें वेरिएशन करेंगे जो हाथ के वेरिएशन के साथ है। आपने हथेली को बाहर की सामने की तरफ खोला, हाथ को पूरा स्ट्रेच किया, ऊपर की तरफ खोला, और सांस छोड़ते हुए मुट्ठी भींचते हुए एल्बोज को, कोहनियों को अपने शरीर पे टच करते हुए, तो इससे क्या होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स क्रिएट होगा श्वास को बाहर निकालने के लिए। प्रयास करेंगे लगभग 8-10 बार। जब भी आप आखिरी बार श्वास निकाल रहे हैं बाहर, तो
तो श्वास को रोकना है, बाह्य कुंभक लगाना है, बंध लगाने हैं अगर आते हैं तो। जितनी देर श्वास को रोका, जब श्वास लेनी है तब लंबी गहरी श्वास लेकर के और फिर से बंद लगाएं, जलंधर बंद लगाएं, श्वास को अंदर रोकें, जो हमने श्वास लगातार छोड़ी है अब श्वास लेकर के ऑक्सीजन को लेकर के उसको शरीर में सोखने के लिए लंग्स उसको यूज करें, हृदय तक पहुंचाएं और हृदय हमारा शुद्ध रक्त का संचार पूरे शरीर में करें आराम से, फिर से रिलैक्स करें। अब तीसरा वेरिएशन, अब हथेली आपकी तरफ और हाथ ऊपर जाएंगे सामने से और फिर से हम वही प्रयास करेंगे। आठ से दस बार इनहेल एक्सहेल, पूरी तरह श्वास को बाहर निकालें, श्वास को रोकें, बंद लगाएं। श्वास लें लंबा गहरा, रोक लें श्वास को अंदर, अपनी ठुड्डी को कंठ पे लगाएं, कंठकूप पे लगाएं। और फिर से सामान्य श्वास, लंबा गहरा श्वास लें। इस प्रकार से कपालभाति के वेरिएशन, भस्त्रिका के वेरिएशन एक एक भी कर सकते हैं और ज्यादा भी किए जा सकते हैं। तीन तीन वेरिएशन किया जाए, तीन तीन राउंड करेंगे तो बहुत उपयोगी होगा, लाभकारी होगा। अब एक और वेरिएशन करेंगे, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसमें अब अल्टरनेट नोस्टल से छोड़ना है, तो बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है। अभी तक फिर से हम फोर्सफुल ब्रीदिंग ही करेंगे ताकि आपकी इम्यूनिटी और बढ़े, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में आपके लंग्स सहकारी हों। अगर आपके लंग्स फेफड़े मजबूत होंगे तो लगातार ऑक्सीजन का इंटेक जो है अच्छा करेंगे और हमारे रक्त में मिला करके और हृदय के जरिए वो रक्त का संचार पूरे शरीर में होगा। सबसे पहले ब्रेन में ही जाता है बिकॉज ये क्लोजेस्ट टू एरिया है, सबसे नज़दीक होता है, और बाकी पूरे शरीर में भी जाता है, आपके पेट के ऑर्गन, आपके जो जठराग्नि है, आपके हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी बेनिफिट मिलता है, हमारा लिवर हो गया, हमारा आग्नाशय हो गया, हमारा यकृत हो गया, आमाशय हो गया, हमारी आंतें हो गई, इन सबको बेनिफिट मिलता है। सिर्फ प्राणायाम का मतलब सिर्फ ब्रीदिंग नहीं है, ये बहुत अंदर तक लाभ देने वाली प्रक्रिया है। अब लेफ्ट इन राइट आउट करेंगे, राइट इन लेफ्ट आउट मतलब बाएं से दायां निकालना, दायां से लेफ्ट बाएं में निकालना। प्रयास करें, पहले धीमा करेंगे, अपने बाएं से श्वास लें, दाएं से निकाले, दाएं से लें, बाएं से निकाले, बाएं से लें, दाएं से निकाले, दाएं से लें, बाएं से निकाले, थोड़ा सा लगातार। बाएं से निकालें, श्वास को रोकें, आप और लंबा कर सकते हैं, ज्यादा देर तक कर सकते हैं, ज्यादा फोर्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये सब निर्भर करेगा आपकी लंग कैपेसिटी पर। सामान्य श्वास लें, आराम से श्वास लें और छोड़ें, आपके लंग्स कैपेसिटी पर, आपके हार्ट की कैपेसिटी पर। ध्यान रहे, किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को स्ट्रोक आया हुआ है, किसी को बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर रहता है, किसी को माइग्रेन है अभी, किसी को आंखों की सर्जरी हुई है, इन दौरान वे ना करें। माइग्रेन है, माइग्रेन नॉर्मल होने दें, उसके बाद करें। और किसी को हार्ट डिजीज है तो फोर्स कम करना है, धीमा करें, हल्का करें, धीमा करें, करें जरूर लेकिन हल्का धीमा करें। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे, इसमें वही करना है, फिर से लेफ्ट से लेना है, राइट से निकालना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से निकालना है, लेकिन धीमा करना है। अब हमें इनहेल करने में, श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में जितना ज़्यादा समय आप लगा सकते हैं उतना ज़्यादा समय लगाना है। खास तौर से श्वास बाहर निकाल लें,
जितना भी समय आप श्वास लेने में लेंगे उससे ज़्यादा समय श्वास बाहर निकालने का प्रयास करना है। प्रयास करते हैं कुछ राउंड, हम लेफ्ट से लंबा गहरा श्वास लें, भरें अपने लंग्स को जितना भर सकते हैं और दाएं से बाहर निकालें धीरे धीरे, जितना धीरे आराम से निकाल सकते हैं। अब दाएं से श्वास लेना है वापस और बाएं से धीरे धीरे बाहर निकालना है। प्रयास करें कि धीमा हो, पूरा ध्यान लगे। लेफ्ट से लिया, राइट से धीरे धीरे कमांड के साथ फिर राइट से लिया, धीरे धीरे लेफ्ट से बाहर निकाला। ये तो आपके इनहेल और एक्सहेल दोनों की आवाज कहीं तक ना जाए, कोई आपके पास भी बैठा हो तो उसे पता ना चले कि आप श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। इतना लंबा गहरा धीमा स्वयं के लिए किया हुआ अभ्यास करें। फिर से कुछ और राउंड, लेफ्ट से श्वास लें, अपने फेफड़ों को भरें, दाएं से धीरे धीरे बाहर निकालें, दाएं से लें धीरे धीरे लेफ्ट से बाएं से बाहर निकालें। ध्यान रहे अनुलोम विलोम जितना ज्यादा समय तक कर सकते हैं उतना बेनिफिट होता है, तो आप अपना टाइम लगा के भी कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं, ये शुरुआत है। अब हम कुंभक, आंतरिक कुंभक के साथ अभ्यास शुरू करेंगे। फिर से आप बाएं नोस्टल से, बाएं से नासिका से श्वास लें लंबी गहरी और श्वास को रोकें थोड़ी देर के लिए। जब आप रोक रहे हैं तो आप चिन को, अपने ठुड्डी को कंठ पे लगा सकते हैं, अच्छा होगा अगर आप लगाएंगे। नहीं भी लगा पाए तो कोई बात नहीं, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो वो चिन लॉक को अवॉइड कर सकते हैं, बाकी आप प्रयास करें। अब गर्दन सीधी करें और दाएं नासिका से धीरे धीरे बाहर निकालें, ये सेकंड राउंड हो गया, सेकंड प्रकार हो गया, जिसमें दाएं नोस्टल से लें, फिर से आंतरिक कुंभक लगाएं। तो सेकंड प्रकार में पहले में हमने श्वास रोकी नहीं थी, इस दूसरे प्रकार में हम श्वास अंदर की तरफ रोक रहे हैं। अब बाई नासिका से बाहर निकालें श्वास को धीरे धीरे, फिर बाएं से लें, रोकें, फिर दाएं से बाहर निकालें, श्वास लें, दाएं से लिया, श्वास को रोका, आंतरिक कुंभक लगाया, फिर बाएं से बाहर निकाला। चलिए दो तीन राउंड और करते हैं। बाएं नोस्टल से, बाएं नासिका से श्वास लिया, रोका। जो लोग रेगुलर अभ्यास करते हैं वो ज़्यादा देर रोके तो अच्छा होगा, जो शुरुआत है अभी कर रहे हैं सीख रहे हैं तो कम समय तक श्वास को रोका तो भी चलेगा। दाई से बाहर निकालें, फिर तो दाई से वापस ले श्वास को, श्वास को रोकें, बाएं से बाहर निकालें, हर बार श्वास को अंदर लेकर के रोका, फिर से दाएं से लिया, रोका, बाएं से बाहर निकाला। तीसरा और अंतिम प्रकार जो वेरिएशन है,
अब हमको आंतरिक कुंभक बाह्य कुंभक दोनों लगाने हैं। बाएं से श्वास लेना है, श्वास को रोकना है, दाएं से श्वास निकाला, श्वास निकाल के फिर से रोकने का प्रयास करना है, फिर दाएं से लेना है, रोकना है, बाएं से निकालना है, फिर से रोकना है। ध्यान रहे श्वास रोकने का समय कितना भी हो, बाहर निकालना हमको धीरे धीरे ही है, जल्दी बाहर नहीं निकालना है। नॉर्मल जो प्रोपोर्शन है हम बोलते हैं 1:2 प्रोपोर्शन, जितने समय में आप श्वास ले रहे हैं उससे दुगने समय में श्वास छोड़ने का प्रयास। सपोज आपने 4 या 5 सेकंड में श्वास लिया है तो आपको दुगने समय में लगभग 8 से 10 सेकंड में श्वास बाहर निकालने का प्रयास करना है। कुछ राउंड करते हैं, आप चूज कर सकते हैं ज़्यादा समय तक करना। जैसे बाएं से श्वास लिया, अब श्वास को रोक लिया, धीरे धीरे दाएं नोस्ट्रल से, दाएं नासिका से बाहर निकाला, धीरे धीरे निकाला, फिर से श्वास को रोक लिया। जो जानते हैं त्रिबंध लगाना, त्रिबंध लगा सकते हैं, मूलबंध, उड्डयन बंध, जलंधर बंध। रिलैक्स रहना है, दाएं नोस्ट्रल से श्वास वापस लेनी है, आंतरिक कुंभक लगाना है, बाएं नासिका से धीरे धीरे बाहर निकालना है श्वास, धीरे 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 बाहर श्वास निकाल के फिर से बाह्य कुंभक लगाएं, श्वास को बाहर रोकें, बाएं नोस्ट्रल से, बाएं नासिका से श्वास लें, श्वास को रोकें, दाएं नासिका से बाहर निकालें। श्वास को बाहर रोक, दाएं से लेना है, रुकना है, बाएं से बाहर निकालना है। ध्यान रहे मन आपका एकाग्र हो, शांत चित्त हो, साफ सुथरी जगह पर आप बैठे हो, साफ सुथरी हवा आप ले रहे हो। फिर से 1 अभी के लिए एक बार और करें, आंतरिक कुंभक लगाएं और ज्यादा देर तक रोक सकते हैं, ज्यादा समय तक आप कर सकते हैं। ये अनुलोम विलोम, बाएं से लिया रोका, दाएं से निकाला रोका, फिर दाएं से लिया रोका, बाएं से निकाला रोका, ये एक राउंड माना जाता है। इस प्रकार से आप लेफ्ट इन होल्ड राइट आउट, राइट इन होल्ड लेफ्ट आउट को एक राउंड की जगह लगभग 9 से 10, 9 से 11 बार आप कर सकते हैं, 11 बार 21 बार इस प्रकार से आप प्रयास बढ़ा सकते हैं। रिलैक्स करें, शांत रहें, आराम से दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा श्वास। आप महसूस करेंगे कि आपकी सुषुम्ना, आपके दोनों नोस्ट्रल्स खुल चुके हैं, अच्छा लंबा गहरा श्वास आप ले पा रहे हैं, उसका अनुभव करें। प्राणायाम का अभ्यास बहुत लाभकारी होता है, बहुत शांति प्रदान करता है। अब हम भ्रामरी करेंगे और उसके बाद आप शवासन भी कर सकते हैं, शवासन की वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो अभी हम भ्रामरी करेंगे। इस भ्रामरी में जो आपको करना है, जीभ को मोड़ के ऊपर के तालू पे टच करना है, जीभ के अग्रभाग को तालू पे ऊपर टच करें, जैसे हम खेचरी मुद्रा करते हैं, ऊपर टच करें और शांभवी मुद्रा, अपनी दोनों आँखों को, पुतलियों को बिल्कुल यहाँ पर देखने का प्रयास करते हुए, अपने अंगूठों से कान बंद करना है ताकि बाहर की आवाज़ ना आए, आप स्वयं की आवाज़ सुन पाएँ। उंगलियों से एक उंगली आई बॉल्स को कवर करती हुई, आईब्रोज और बाकी चेहरे पर, लिप्स पर। तो
इस प्रकार से आप हथेलियाँ उंगलियों को रख सकते हैं। वैसे ट्रेडिश आप एक एक उंगली को अलग अलग रख सकते हैं, विच इज़ अ ट्रेडिशनल वे, बट सिंपल वे इज जस्ट रेस्टिंग, क्लोज योर ईयर्स। हम 3 बार करेंगे, आप फिर से 10, 11, 12 बार भी कर सकते हैं। मुंह बंद करके जीभ को तालू पे लगा के मकार का उच्चारण करना है। इस प्रकार से करें फिर से मेरे साथ। और भी कर सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं सुख और शांति का। आप कुछ देर ध्यान में बैठ सकते हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो बैठे रहें, अनुभव करें, आनंद लें। आप सुखी हैं, श्वास ले पा रहे हैं, अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, जी पा रहे हैं। ईश्वर की कृपा है आप पर। किसी आडंबर की तरफ ना देखें, जो मिला है उसको आनंद लें, अपने शरीर का आनंद लें, इसका अनुभव करें। जब आप प्राणायाम बैठे बैठे करते हैं तो कभी कभी कमर में अकड़न फील हो सकती है, गर्दन में अकड़न फील हो सकती है, तो आप बाद में थोड़ा चिन अप एंड डाउन करें, गर्दन को ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट करें ताकि गर्दन रिलीज हो। एक एक बार रोटेशन कर सकते हैं क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। फिर कमर के लिए थोड़ा सा आगे झुकें जितना झुक सकते हैं। आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाना है, कैसे भी बैठ सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा ट्विस्टिंग करें लेफ्ट एंड राइट। फिर आप 1-2 मिनट के लिए लेट जाएं, शवासन करें, चाहे लंबा ना करें लेकिन कमर को आराम देना, शरीर को आराम देना, मसल्स ने जिन्हें आपको सपोर्ट किया है उनको आपको सपोर्ट करना। होप आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगेगा। आप इसका अभ्यास लंबे समय तक कर सकते हैं, कम से कम एक बार रोज करना है। कम से कम जब भी इन दिनों में स्ट्रेस है, दुनिया में तनाव है, हमारे शरीर आसपास भी तनाव फैला हुआ है, प्रयास करें सबसे अलग हो जाए। कुछ समय के लिए खुद पे ध्यान दें, कुछ समय के लिए बस खुद में रहें, अच्छा जीवन जिए, सुखी रहें। आप चाहें तो सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे वीडियो को, ताकि आप मेरे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।